सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं देवेंद्र कंकरवाल आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक ऐसा पावन तीर्थ स्थल जहां पर पूरे देश से श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, और यहां पर सावन माह के महीने में एक पावन और विशाल मेला लगता है, और फरवरी माह में भी शिवरात्रि पर भी यहाँ श्रद्धालु बहुत काफी मात्रा में आते हैं। ये दोस्तों ब्रजघाट कहां पर पड़ता है आइए जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ से जो हाईवे है, हाईवे नेशनल हाईवे 9 पर पड़ता है, और इसको ब्रजघाट के नाम से जाने जाता है। और इसी के पास शहर है औद्योगिक नगरी गजरोला, उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में ये पड़ता है। दोस्तों यहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर एक सुंदर स्वच्छ आपको माहौल देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए एक अच्छे चेंजिंग रूम यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेंगे। अनेक घाट यहाँ पर बनाए गए हैं आपको आपके मनोरंजन के लिए। यहाँ पर अनेकों बोट हैं जो आप जिनके द्वारा जो मनोरंजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं घाट के किनारे ही बहुत सारी बोट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ पर श्रद्धालु लुत्फ उठाते हैं इन्हीं सभी चीज़ों का, और पूरा ब्रजघाट कहीं ना कहीं एक तीर्थ स्थल, तीर्थ नगरी के तरह देखा जाता है। और ये जो सामने आप दोस्तों ब्रिज देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 9 का है ये ब्रिज। दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं आपको ब्रजघाट का घंटा घर, जहाँ पर एक इसको हरिद्वार की तर्ज पर ही बनाया गया है। ये देखिए सामने आप लोग देख पा रहे हैं, ये है घंटा घर ब्रजघाट का। दोस्तों इसको बिल्कुल हरिद्वार की तर्ज पर बनाया जा रहा है। आप लोग जरूर आइए और विजिट कीजिए ब्रजघाट, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए कि कौन कौन लोग ब्रजघाट आ चुके हैं या कौन कौन आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक सुविधा आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ गोताखोरों का जो है कार्यालय है, कोई अगर व्यक्ति डूब जाता है तो उसको बचाने का भी कार्य ये गोताखोर करते हैं। और इस तरह से ही ये काफ़ी लंबा दूर तक है बना हुआ, और काफ़ी घाट है। चलिए फिर मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री।